देश में चारधाम यात्रा चल रही है। लाखों श्रद्धालु रोज देवभूमि दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी जानकी चट्ट से यमुनोत्री धाम तक पैदल यात्रा की। यमुनोत्री धाम पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जानकी चट से यमुनोत्री धाम तक करीब 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने रास्ते में श्रद्धालुओं के साथ बातचीत की और उनका हालचाल जाना। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने श्रद्धालुओं से चार धाम यात्रा में उनके अनुभवों को सुना। यात्रियों ने चार धाम यात्रा में सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। मंत्री रेखा आर्या ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर वहां पर विधिवत पूजा अर्चना की और सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड संपूर्ण विश्व में देवभूमि के नाम पर प्रसिद्ध है, जहां इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है। ऐसे में सरकारों ने श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी समुचित व्यवस्था की है। आज मुझे अपने आप में शब्दों में बयान न कर सकने वाला एक भाव है। और जिस प्रकार से यात्रियों में जोश है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 60 से 65 वर्ष की उम्र की माता जी भी पूरी श्रद्धा के साथ में यमुनोत्री धाम से अपनी यात्रा को प्रारंभ करने का उन्होंने संकल्प लिया है और बकायदा पूरा 5-6 किलोमीटर वो हमारे साथ चल के आई। इससे पता चलता है कि कितनी श्रद्धा जो है यमुनोत्री धाम के प्रति है। आज मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही मंदिर कमेटी के लोगों से भी मुलाकात हुई और मंदिर कमेटी के लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर मांगी है, जिसको लेकर आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता रहे, पर्यटन मंत्री जी से भी इस संदर्भ में वार्ता करूँगी कि महिलाओं के लिए चाहे वो चेंजिंग रूम हो या टॉयलेट्स हो, ये यहाँ पर बने और कुछ व्यवस्थाएं जो यहाँ पर होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं यहाँ पर। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।